Hello students, I welcome you all back to AVKS Academy. Hope you are doing good and you are preparing well for your upcoming CAPF 2021 exam. And stay home, stay safe. So, आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो सी ए पी एफ का पेपर टू सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं उसे वन ऑफ दी ये पर्टिकुलर लेक्चर है. तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये बात करेंगे या ये डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है सी ए पी एफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग काफी तरीके का होता है लेकिन सी ए पी एफ एग्जाम में जो पूछा जाता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. डिफरेंट इन द सेंस इश्यू बेस्ड यहाँ पे पूछा जाता है. जो आपने टेंथ क्लास में या अपना स्कूलिंग में जो रिपोर्ट लिखा था दैट इज डिफरेंट. अभी जो आप लिख रहे हो दैट इज डिफरेंट. स्टूडेंट्स का मेन ये बोलना है कि सर आप ये बताओ कि रिपोर्ट राइटिंग लिखना कैसा है, मतलब प्रेजेंट कैसा करना है. नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है ये बता दो, और कौन से टॉपिक्स यहाँ से आ सकते हैं ये भी मुझे बता दो. इसके साथ साथ हम आज क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरा समझाएंगे कि रिपोर्ट राइटिंग नॉर्मली प्रेजेंट कैसा करना होता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप मत करो, लास्ट तक देखो. और आपको कोई भी डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट करने पर हम जरूर रिप्लाई करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करें. इसके अलावा आज हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं और रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं पूरा AVKS का टेलीग्राम चैनल है उसमें हम अपलोड कर देंगे, उसमें हम शेयर कर देंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. AVKS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा. नहीं तो टेलीग्राम में डायरेक्टली AVKS Academy करके टाइप करो, 10,000 प्लस फॉलोअर्स रहेंगे. सो वो चैनल जो है आप ज्वाइन कर लो, आपको काफी सारे अपडेट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मिलते ही रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि रूल्स टू बी फॉलोड, मतलब प्रेजेंट कैसा करना है एक रिपोर्ट को. ऐसे में कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर कंटेंट का 50% रोल है तो प्रेजेंटेशन का भी 50% रोल है. तो प्रेजेंटेशन कैसा करना है देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मली रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है एक्चुअली, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग और एसे में बहुत अंतर है. तो ये हमने काफी सारे स्टूडेंट्स का जब हम पेपर इवेलुएट करते हैं ऑलमोस्ट लास्ट तीन चार साल से हम इवेलुएट करते आ रहे हैं पेपर्स. हमने काफी सारे पेपर्स देखा हुआ है अब तक. ठीक है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, हम मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स है कि एसे में जो बॉडी होता है ना, एसे में जो बॉडी और रिपोर्ट का जो है मेन पार्ट होता है, जो मेन बॉडी होता है जहां पे आपको पूरा कंटेंट लिखना पड़ता है, दोनों सेम समझते हैं. मतलब सेम समझना मतलब कंटेंट ऑलमोस्ट ऑल दोनों में सेम होता है, तो वो बहुत गलत है. एसे में जो है आपका अप्रोच होता है, एसे इज कंप्लीटली योर अप्रोच. एसे में आप बताना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन रिपोर्ट ऐसा नहीं है. रिपोर्ट जो है जो ऑलरेडी हो चुका है, रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट एन हैपेंड इंसिडेंट और एन हैपनिंग इश्यू. जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो गया है उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखोगे, या जो ऑलरेडी इश्यू चल रहा है या व्हाट एवर इट में भी जो अभी करंट में चल रहा है उसके बारे में जो है आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम अगर आपको एक आपको रिपोर्ट लिखना हैपेंड इंसिडेंट के बारे में, एक पुलवामा अटैक आप ले लो. अगर हम पुलवामा अटैक लेते हैं तो वो इंसिडेंट को हमें एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन करना है इन द सेंस आपको एक रिपोर्टर बनना है. जब पुलवामा अटैक हुआ था तो आपको न्यूज कैसा मिला, आपको दी हिंदू में, दी टाइम्स ऑफ इंडिया में और वॉट एवर डेक्कन क्रॉनिकल और काफी सारे न्यूज पेपर से, उसमें न्यूज कैसा मिला. न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं न्यूज कलेक्ट करते हैं, वो न्यूज आपको जो है पेपर में देखने को मिलता है. सो न्यूज जो है खुद का होता है नहीं, जॉर्डी हो चुका है बस उसी को एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पुलवामा अटैक ले लो, मैं ब्रीफली बता दूंगा. पुलवामा अटैक ले लो, अगर आप रिपोर्टर हो या मैं रिपोर्टर हूं तो क्या मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, उस दिन का डेट क्या है, डेट क्या है मैं कलेक्ट करूंगा, कौन सा प्लेस में हुआ है, मतलब वो पर्टिकुलर इंसिडेंट कौन सा प्लेस में हो वो मैं डेटा लूंगा, कितने कितने सारे सीआरपीएफ जवान इंजूर हो गए हैं वहां पे वो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा. नेक्स्ट हॉस्पिटल कौन सा है नियर बाय जहां पे जो भी इंजूर हो गए हैं इनको लेके गया है,
तो वो मैं डाटा कलेक्ट करूंगा वहां से। ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट क्या है वहां पे, अगर कोई कमांडेंट है या वॉट एवर इट में भी, कोई भी ऑफिशियल या सर्कल इंस्पेक्टर वॉट एवर में भी कोई भी है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट्स मैं वहां पे कलेक्ट करूंगा। और इसके इसके पीछे इश्यू क्या है, मतलब क्या है रीजन, वो भी मैं वहां पे कलेक्ट करूंगा। दैट टू द स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑफिशियल्स, मैं खुद का नहीं लिखूंगा। शायद आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया होगा। रिपोर्ट राइटिंग मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज वाई रिपोर्ट राइटिंग में आपको करंट का बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताता। रिपोर्ट राइटिंग में करंट का नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई वी ऑलवेज इंसिस्टेड यू रिपोर्ट राइटिंग आपको इंग्लिश, मतलब करंट अफेयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ताकि आप जो है रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे अच्छा आप लिख पाओगे। जब आप करंट अफेयर्स ही हिंदी में पढ़ रहे हो, क्या आप लिखोगे रिपोर्ट यहाँ पे? आपको बहुत, आपको हिंदी से इंग्लिश में थोड़े कन्वर्ट करने में ही टाइम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर्स एटलीस्ट, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, करंट अफेयर्स एटलीस्ट आप इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करो। जो करंट में पढ़ रहे हो वही आपका रिपोर्ट है, आया समझ में? लेकिन एसे इज समथिंग डिफरेंट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा। बस यहाँ पे बस मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स आपको बता दूंगा, क्या क्या आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है यहाँ पे। रिपोर्ट राइटिंग में कैसा प्रेजेंटेशन देना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन पास्ट टेंस। जैसा मैं आपको बताया था, रिपोर्ट राइटिंग मतलब जो ऑलरेडी हो गया है उसके बारे में यहाँ पे लिख रहे हो, उसका मतलब पास्ट टेंस में यहाँ पे आपको पूरा प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस में आपको बस देना है। नेक्स्ट, प्रेजेंट फैक्चुअल और करंट डेटा। जैसा कि मैं आपको बताया था, जो फैक्चुअल डेटा है या जो करंट में चल रहा है, बस वही आपको प्रेजेंट करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, डोंट गिव अ सजेशन, ओपिनियन एंड कंक्लूजन। रिपोर्ट राइटिंग में ये बात ध्यान रखो, लास्ट पैरा आते ही सब लोग अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल आपको बंद करना है रिपोर्ट राइटिंग में। एसे या एसे आर्गुमेंट में आप अपना राय दे सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में कभी मत करो ऐसा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका सजेशन, आपका ओपिनियन, आपका कंक्लूजन यहाँ पे आपको नहीं देना है। मैं आपको एग्जाम्पल रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट, डोंट राइट इट इन पॉइंट्स। आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पैरा ले लो, दो पैरा या तीन पैरा या चार पैरा, थ्री पैरास मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का वर्ड लिमिट कितना होता है, 200 वर्ड्स। रिपोर्ट राइटिंग आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका रिपोर्ट राइटिंग है। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन आपको इंग्लिश में लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, दैट इज 20 मार्क्स आपको जो है रिपोर्ट राइटिंग का सेक्शन में। डोंट प्रेजेंट एज इट इज एन एसे, एज इफ इट इज एन एसे, जैसा कि मैं आपको बताया था। गिव वैलिड प्रूफ फॉर मैक्सिमम स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो कुछ भी आप लिखते हो, मतलब आप कोई रेफरेंस लेके लिखते हो ना, ऐसा नहीं कि अपना जो मन मर्जी आप लिखते होगे, कुछ भी लिखते हो तो रेफरेंस लेके लिखते हो। तो रेफरेंस जब लेते हो तो वहां पे जब आप कंटेंट जब आप लिखोगे या पॉइंट जब आप लिखोगे, तो कहाँ से आपने वो पॉइंट लिया है, किसका स्टेटमेंट है या किसका मतलब वो रिपोर्ट है, एक बार वहां पे आप मेंशन कर दो। मतलब अगर है तो मेंशन करो, ट्राई मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे आपको एक फुल क्लैरिटी आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले, आप सबके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पेपर 2 के लिए एक मास्टर कोर्स अवेलेबल है AVKS Academy में। अगर आप पेपर 2 में टोटल 2 टाइप ऑफ कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आपका चॉइस है। एक है पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको एसे से लेकर ग्रामर तक पूरा सिखाया जाएगा। अभी अच्छा टाइम बचा है आपका, 60-70+ डेज बचा है, आराम से आप जो है ये पेपर 2 क्रैक कर सकते हो विद गुड नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, और ये कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ये कोर्स के साथ आपको पेपर 2 का बुक भी मिलेगा। ये आपको जो है 3000 ऑफर में चल रहा है, 3000 में आपको पड़ेगा, 3000 ये कोर्स का फी है। डिस्क्रिप्शन के नीचे हम AVKS Academy का ऐप प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आप प्ले स्टोर जाके AVKS Academy टाइप करो, AVKS Academy का ऐप आपको आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक दे देंगे और वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे, ताकि वहां पे जाके डायरेक्टली अपना कोर्स आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज लेना है पेपर 2 के रिगार्डिंग,
पेपर टू का जो है टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हो 1500 में। जो है 15 पेपर्स आपके हम इवेल्युएट करेंगे, 1500 में आपके हम टोटल ऑफ 15 पेपर्स इवेल्युएट करेंगे मॉडल आंसर्स के साथ साथ, और काफी सारे जो है बेनिफिट्स आपको पेपर टू टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो इसके लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, उसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर टू हार्ड नहीं है, बस आप हार्ड समझते हो, ओनली थिंग इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए हमने आपके सामने मास्टर टू, मास्टर पेपर टू, दैट इज इवेल्युएट योर पेपर टू सीरीज आपके सामने लेके आया है। ठीक है, सो पेपर टू टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पेपर टू कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब अगर आप इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप जो है टेस्ट सीरीज जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको बहुत ही मतलब बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और आपका मार्क्स भी जो है डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव होने के चांस है। तो आपको जो है AVKS का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो इसका फॉर्मेट देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट वेरी सिंपल है, बस आपको याद रखना है, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपोर्ट राइटिंग में फर्स्ट आपका आना चाहिए टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। ठीक है, टाइटल के बाद एक लाइन का गैप दोगे, वन लाइन गैप। गैप देने के बाद आपको नेम यहाँ पे लिखना है, प्लेस लिखना है, डेट लिखना है। अभी आप पूछोगे नेम क्या लिखना है यहाँ पे, सो नेम आपका नाम नहीं, कभी नहीं लिखना है यहाँ पे, लिखो ABC या XYZ और वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, प्लेस आपका मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो प्लेस। उसके बाद डेट आपका मर्जी, डेट कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम का डेट भी लिख दो आप। ठीक है, तो नेम प्लेस डेट, इसके अलावा कुछ मत लिखो। उसके बाद एक लाइन का गैप दो। सब्जेक्ट यहाँ पे सुन, यहाँ पे एक बार सुनो, आइदर मेंशन टाइटल और सब्जेक्ट। अगर आपको मेंशन कोई एक ही करना है, या टाइटल या सब्जेक्ट, आइदर मेंशन टाइटल और सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने टाइटल मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइटल मेंशन नहीं किए हैं तो सब्जेक्ट आपको जरूर मेंशन करना है। ठीक है, दोनों सेम है, टाइटल या सब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों में से कोई ना कोई एक ही आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप जो है क्या करोगे, बॉडी लिखोगे। बॉडी कैसा होना चाहिए, एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा, चार पैरा, मतलब आपका मर्जी, 3 to 4 पैरास में डिवाइड करके अपना बॉडी लिख सकते हो। लास्ट में रेफरेंसेस आपका मर्जी, अगर आप वेरी कॉन्फिडेंट हो तभी लिखो, रेफरेंस है तो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइटल हम एक बार फिर से हम रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट यू शुड राइट टाइटल, टाइटल आपको लिखना है, उसके बाद एक लाइन का गैप दो। देने के बाद नेम प्लेस एंड डेट, इज इट क्लियर। उसके बाद फिर से एक लाइन का गैप दो। सब्जेक्ट आपने टाइटल लिख दिया, सब्जेक्ट जरूरत नहीं है। उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट कर दो। मेन बॉडी आपको 4 पैरा में लिखना है, इज इट क्लियर, 3 या 4 पैरा, 3 पैरास मैक्सिमम रखो, 4 पैरा मैं बस आपको बताया हूँ। अगर आप जो है थोड़ा राइटिंग आपका बड़ा है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा लिखते हो, 4 पैरा में हो जाएगा, नहीं तो आपका 3 पैरा काफी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट आपको याद रखना है 200 वर्ड्स ओनली, 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम 180 वर्ड्स लेके आओ, काफी है, 200 वर्ड तक मत जाना, क्योंकि टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में आपको मिलता है 9 मिनट्स। ठीक है, 9 मिनट्स टोटल, 2 रिपोर्ट्स को आपको मिलेंगे 18 मिनट्स, 18 मिनट्स आपको 2 रिपोर्ट्स को मिलेंगे, इसे क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमने एक टॉपिक लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम सोच लो, एग्जामिनर आपको टॉपिक दिया है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट तो बहुत मतलब वास्ट टॉपिक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट एवरी ईयर होता है, लेकिन हमको ये करंट से करंट करना है, वॉट एवर इट में भी, जो भी आपको एग्जाम में टॉपिक दिया जाता है उसको आपको कभी भी करंट से करंट करना चाहिए। ठीक है, सो बायोमेडिकल वेस्ट अगर आप देखा जाए तो लास्ट 2 ईयर्स बहुत ज्यादा हो गया है ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोरोना के बेस में जो है, COVID-19 के बेस में जो है, कंप्लीट रिपोर्ट हम अभी फ्रेम करने वाले हैं, कितना वेस्टेज हो रहा है, उसके लिए क्या हम रेमेडीज ले रहे हैं, मतलब हम इन सेंस गवर्नमेंट ने क्या क्या रेमेडीज लिया है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। ये बस एग्जाम्पल के तौर पे, इसके इसका हम PDF भी शेयर कर देंगे, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हो। फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था फॉर्मेट में, फर्स्ट आपको टाइटल देना है। टाइटल सेम एज
क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब थोड़ा बहुत अलग। बायोमेडिकल वेस्ट टॉपिक पूछा गया, मैं यहाँ पे लिख दिया बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डबल्स, तो डबल हो गया। लास्ट ईयर जो नंबर था तो अभी उसका डबल हो गया। तो यहाँ पे एक इंडिकेटिव है कि मुझे टॉपिक के बारे में आइडिया है। ओनली थिंग ना, अब ये एग्जामिनर रोबोट नहीं है, तो बस एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि जस्ट ही हैज कंटेंट, इसको पता है टॉपिक के बारे में, ऑटोमेटिक मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डबल्स। टॉपिक आप थोड़ा, टाइटल आप थोड़ा चेंज करो। ओके, उसके बाद नेम बताया था मैं आपको, आपका नाम लिखना है एक्स वाई जेड। मैं अभी हैदराबाद से लिखना, तो हैदराबाद मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, डेट आपका मर्जी, आप कोई भी डेट लिख सकते हो। ठीक है, वॉट एवर इट में भी आपका मर्जी है पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है देखो। यहाँ पे मैं आपको बताया था रिपोर्ट राइट में कभी भी आपका कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, सजेशन नहीं होना चाहिए, ये सारे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू लाइन्स में ये एक्सप्लेन किया है कि मैंने यहाँ पे कोविड के रिगार्डिंग टॉपिक लिया हुआ है। डायरेक्टली मैं एंटर नहीं करूंगा ना कोविड के रिगार्डिंग, मैं आपको, मैं फर्स्ट टू लाइन्स में ये बताऊंगा कि ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है क्यों रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज हो गया है। तो मैं ये बताया कि विद द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 क्रिएटिंग हैवॉक इन इंडिया अलॉन्ग विद द राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, द कंट्रीज बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन रेज्ड टू पीक्स। तो मैं आपको यहाँ पे टू लाइन्स में एक ब्रीफ दे दिया हूँ कि कोविड-19 के रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट जो है यहाँ पे पीक स्टेज में चला गया है। ठीक है, उसके बाद पीक स्टेज में चला गया है सही है, लेकिन बताना है ना पीक स्टेज मतलब आप नॉर्मल लिख दोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रूफ देना है। जैसा मैं आपको बताया था एवरी स्टेटमेंट का जो यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट पैरा में हमने ये दिया है कि द एवरेज जनरेशन, द एवरेज, एक सेकेंड यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे द एवरेज जनरेशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड बायो मेडिकल वेस्ट इन द कंट्री शॉट अप टू 75 टन्स पर डे इन मार्च 2021। मार्च 2021 में 75 टन्स पर डे था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मतलब रिसेंट का जो कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन 21 मई तक, ठीक है, 21 मई तक पर डे 263 टन्स ऑफ वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट जो है जेनरेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट या विच अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कंट्रोल सीबीसीबी बता रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ देने का ट्राई किया, यहाँ पे बता क्लियरली बता दिया हूँ 75 टन्स था 2000 मार्च 2021 में, लेकिन अभी प्रेजेंट अब देखा जाए तो मई में 263 टन्स पर डे जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट इज गिवन बाय सीपीसीबी। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर का कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट ईयर का भी दिया हुआ है। इसके बाद अभी प्रेजेंट ये डबल होने का कारण क्या है वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे डबल तो हो गया है लेकिन कौन सा स्टेट में कितना परसेंटेज ऑफ वेस्ट या टन्स में, वेस्टेज मतलब इन टन्स जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने द स्टेट विद डेली जनरेशन ऑफ 5 टन्स पर डे, दैट इंक्लूड्स एपी, हरियाणा, कर्नाटका जो है मैक्सिमम है, देख सकते हो 16.91%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो ये जो है मेजर स्टेट्स हैं जो मोर देन 5 टन्स पर डे यहाँ पे वेस्ट जनरेशन कर रहे हैं, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन, ये भी यहाँ पे मैंने बता दिया है। अभी हम लास्ट पैरा में ये डिस्कस करेंगे कि इतना तो वेस्ट हो गया है, वेस्टेज इतना तो आ रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं मतलब दैट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो वो अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल 198 कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, जिसमें महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट, ऑलमोस्ट ऑल 29 आउट ऑफ 198, 29 बायोमेडिकल वेस्ट सेंटर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है, दैट इज दिस अकॉर्डिंग टू द फीडबैक फ्रॉम द कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। सो इस तरीके का जो है आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करना है आपके एग्जाम में। यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो, पूरा रिपोर्ट आप चेक कर लो कि यहाँ पे हमने
कुछ भी अपना ओपिनियन दिया है क्या? नहीं, अपने आपने नहीं दिया है। जो ऑलरेडी अभी चल रहा है उसी के बारे में हमने जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है। रिपोर्ट राइटिंग इज नथिंग बट करंट डेटा। अगर करंट डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आउट ऑफ 10 आप आराम से 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इसके ज़्यादा नहीं, 5 to 6 मार्क्स, 50 to 60% आपका गुड स्कोर होता है CAPF, मतलब पेपर टू एग्जाम रिगार्डिंग। ठीक है, 50 to 60% ऑफ द मार्क्स ऐसा आप करोगे तो जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब करंट ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, पेपर टू में बोल रहा हूँ। ठीक है, सो EBKS का पेपर टू का बुक भी आने वाला है, वो भी आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही जल्द हम रिलीज भी कर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। ऑल द बेस्ट।